एक जमाना था जहां फिल्में बनती नहीं थी, अब एक जमाना आ गया जहां फिल्में रुक नहीं रही। अब सिनेमा वाले लड़ रहे होते हैं कि पहले कौन सी फिल्म लगाए, पहले कौन सी फिल्म लगाए। लिटरली हम लोग, ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली थी, हमने इसको लेट किया क्योंकि बाकी बहुत सारी फिल्में लाइन में लगी हुई है। माशाल्लाह खुशी इस बात की है कि ARY फिल्म्स इज एसोसिएटेड विद आसिम रजा एंड होमनजा एंड द होल क्रू। जब ये फिल्म आई और मैं और जे जे गए, हम लोग आसिम के स्टूडियो में गए, श्रीराम बैठा हुआ था वहाँ पे, हमने फिल्म के कुछ क्लिप्स देखे, फिल्म देखी हमने। जब बाहर निकले गाड़ी में तो मेरे जे जे ने पूछा कि बॉस कैसी है फिल्म, तो मैंने कहा वो जो फिल्म होती है ना उसके अंदर अच्छी कास्ट होती है, अच्छे गाने होते हैं, अच्छी स्टोरी होती है, थोड़ा बहुत मसाला होता है, वो एक अच्छा डायरेक्टर होता है। मेरे ख्याल से इस फिल्म में सब कुछ है और उससे ज़्यादा सब कुछ होने के बावजूद गाने इस फिल्म के गजब के हैं। तो आई एम श्योर कि या तो आप कोई डायलॉग लेके इस फिल्म से भाग जाएंगे या तो इस फिल्म से लेकर आप कोई गाना लेके भाग जाएंगे। जैसे आपने देखा कि जो लास्ट सीन था, जो ट्रेलर का लास्ट सीन था, वो गाना वॉज सो हार्ट बीटिंग दैट एवरीबडी फेल्ट इट। एंड उसके बाद ये खासियत होती है डायरेक्टर की कि प्रोमो भी इतनी गजब जगह पे एंड किया कि तालियां वहीं से शुरू हुई। तो बेस्ट ऑफ लक, आई थिंक इंशाल्लाह दिस विल बी अनदर ब्लॉकबस्टर। दो ब्लॉकबस्टर हम आपको सामने दे चुके हैं, वार और जवानी प्रेमी आनी, एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि ये 2016 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर है, बिकॉज द मूवी हैज एवरीथिंग। एंड बेस्ट ऑफ लक टू क्या ये? सर थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मुझे लगता है बड़ी बुरी होने वाली है मेरे साथ। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ जोर शोर से कोई याद आने लगता है। कौन? दुनिया के अंदर जो फिल्में बन रही हैं आजकल या पहले भी बनते रही, तो मुशाहिदे में ये बात आई कि उनके हर फिल्म के अंदर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है जो इस्लाही भी होता है, और उसके अलावा वो किसी न किसी रूप के अंदर अपने धर्म का भी प्रचार कर लेते हैं। तो आसिम साहब आपकी काविशें बहुत अच्छी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी कि तफरी के साथ साथ जिस तरह इंडिया वाले अपने धर्म का और अपने मुल्क का कुछ ना कुछ उसमें रख लेते हैं, तो उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ ज़रूर आपने भी कुछ किया होगा। आपने सर बिल्कुल अच्छी बात की, अच्छा काम या अच्छी चीज़ कहीं से भी सीखने को मिले इंसान को सीखनी चाहिए। तो बिल्कुल हम हिंदुस्तान से ये सीख रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी तरीके से फिल्में बनाते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन साथ साथ कोई अच्छा मैसेज भी देते हैं। हमने बिल्कुल कोशिश की है सर, और इस फिल्म को मैं अगर कहूँ तो मेरा ख्याल है कि ये ना सिर्फ यूथ की फिल्म है बल्कि हर जनरेशन की फिल्म है। दिस फिल्म इज मोर अबाउट टॉलरेंस फॉर मी। हम एक दूसरे को जब प्यार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नफरत से ज़्यादा मोहब्बत में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में मोहब्बत में उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, और इस प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि असल में हम प्यार नहीं कर रहे, हम एक्चुअली उनको जज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो चीज़ें सिखाएं जो हमें अच्छी लगती हैं और वो ना सोचें जो उन्हें अच्छा लगता है। और ये फिल्म भी बिल्कुल इन्हीं बातों के ऊपर मबनी है, इन्हीं खूनी रिश्तों को जिनको हम फैमिली टाइज कहते हैं, और हमारे लिए ये बहुत अहम होती हैं। हमारे मुल्क में पाकिस्तानी माशरे में फैमिली बहुत अहम हिस्सा होती है हमारी ज़िंदगी का, तो हमने उसको लेकर ऐसी ज़रूरी अहम बातों के ऊपर फोकस किया है जो जनरली हमारे स्क्रीन पर नज़र नहीं आती। हम लार्जर देन लाइफ होने की कोशिश करते हैं शायद स्क्रीन पर, इसलिए हम छोटी छोटी और बहुत अहम बातों को भूल जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में हमने फैमिली के बारे में बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को लेके कुछ ऐसे ही अहम पहलू उजागर करने की कोशिश की है। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप मायूस होकर घर नहीं जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइएगा कि फिल्म के में किन किन लोकेशंस को यूज किया गया है और कितने साउंड ट्रैक्स हैं। ये फिल्म हमने मोस्टली कराची में शूट की है, ये एक अर्बन स्टोरी है, तो डिपिक्ट तो ये पूरे पाकिस्तान को करती है लेकिन बेस्ड कराची में है। इसको हम लेके कराची से बाहर गए थे चित्राल, और वहाँ जाके हमने कुछ इसके छोटे छोटे सीन या एक आध गाना वहाँ भी पिक्चराइज किया, लेकिन मोस्टली अदरवाइज आपको फिल्म में कराची देखने को मिलेगा। इस फिल्म में 9 गाने हैं, 9 ट्रैक्स हैं, बहुत वैरायटी है म्यूजिक में,
एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि अगर सारे नहीं तो कोई ना कोई गाना हर इंसान के दिल को भाने वाला है। अगले एक मिनट में जो शांत आपने खत्म नहीं किया ना तो मैं मुंह में फर लगा कर पिला दूंगा। अम्मा कितना मक्खन लगा रही है? जब तुम्हें कोई काम होता है तो इससे ज्यादा लगाती है। जिस तरह से हमारी दीगर फिल्में भी दीगर ममालिक में एक साथ रिलीज की गई हैं, क्या ये फिल्म पाकिस्तान में ही 1 जनवरी को रिलीज होगी या दीगर ममालिक में एक साथ रिलीज की जाएगी? जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा जे जे ने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बिल्कुल, जिस तरह बाकी फिल्में हमारी पाकिस्तान के साथ यूके यूएसए मिडल ईस्ट सब जगह रिलीज हो रही हैं तो इंशाल्लाह हो मन जहां भी हर जगह साइमल्टेनियसली रिलीज होगी। अगर इस फिल्म में सोनिया जहां नहीं होती तो उसकी जगह की कास्ट चॉइस हो सकती थी? अगर इस फिल्म में सोनिया जहां नहीं होती तो शायद वो कैरेक्टर नहीं होता, क्योंकि जनरली मैं इस तरह करता हूँ कि जब मैं कैरेक्टर्स लिखता हूँ या सोचता हूँ तो उस वक्त ही मेरे जहन में उसको करने वाला अदाकार फौरी तौर पे मेरे सामने हाजिर हो जाता है और मैं सोच रहा होता हूँ कि अब मैं उसको जहन में रख के उसकी गिर्द कहानी खींचूँ। सो अगर मुझे पता होता कि वो नहीं कर पाएंगी ये फिल्म तो फिर शायद कोई और कैरेक्टर होता और कोई और अदाकार उसको करता, लेकिन ये कैरेक्टर सिर्फ सोनिया ही करती। एज अ प्रोड्यूसर फिल्म में काम करने में ज्यादा मजा आया, मतलब भूकंप झाड़ते हुए या एज एक्टर? पहली बात तो ये है कि एक प्रोड्यूसर का रोल बहुत डिफरेंट होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको सब काम करना पड़ता है और स्पेशली आसिम रजा का प्रोड्यूसर होना तो बहुत ही मुश्किल काम है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आसिम रजा इन हिमसेल्फ इज़ अ फिल्म स्कूल। उनके साथ अगर आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर लें तो मतलब फिर आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एज फार एज आपने एक्टिंग के लिए बोला तो अदाकारी जो है ये आजकल मतलब जो मैंने भी शुरू की थी तो लोग मजाक ही समझते थे कि आप खड़े होकर चार लाइनें बोल देते तो वो अदाकारी होती है। मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियस एक यू नो एक फन है जिसको आपको बहुत साल एक क्राफ्ट भी होता है और एक टैलेंट भी होता है, दोनों चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होते हुए भी वो क्राफ्ट नहीं होता, तो वो क्राफ्ट आपको सीखना पड़ता है। तो मैंने किसी को देख के या कुछ इंस्पिरेशन लेके नहीं किया, जिनमें टैलेंट नहीं होता फिर वो अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने अपने क्राफ्ट पे काम करने की कोशिश की। 3 महीने 4 महीने एक कैरेक्टर दिया गया था अरहान का मुझे, और जो कि बिल्कुल मैं नहीं। फेल हो गया? क्या हो गया, इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? डिग्री तो आपके पास भी नहीं थी ना? मौसीकी पेंटिंग मना है मजहब में, इसीलिए आपने अम्मा की सारी पेंटिंग्स जला दी थी। बेटा, किसी आर्टिस्ट को पेटनाइज करने का मतलब ये तो नहीं कि हम उसे घर में ही घुसा लें। क्या लोगों ने तुम्हें ये भी बताया कि तुम गुस्से और दर्द को बहुत कंफ्यूज करते हो? तुम जो रातों को तो जागती हो, कहां से लाती है ऑब्जेक्टिविटी? वक्त के साथ आती जा रही है। आप इस मूवी को डिफाइन किस तरह करेंगे? क्या जॉनर है मूवी का? रोमांटिक फिल्म है, ड्रामा है, क्या है? जी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, कि बहुत मुश्किल है इसको एक लफ्ज या एक जुमले में डिफाइन करना। बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं इस फिल्म में, बहुत मुख्तलिफ मौजूआत हैं जिनको हमने छुआ है, लेकिन अगर आप उनसे बहुत कहेंगे कि एक लफ्ज में, तो हाँ ये यूथ की कहानी है, उनकी खुशियों, उनके गम, उनके मसाइल, उनकी परेशानियाँ, उनकी सेलिब्रेशन की कहानी है। पर अगेन उन्हीं से जुड़े उनके वालिदैन की भी उतनी ही ये कहानी है, तो जनरेशन्स पे भी जाती है कहानी। सो यस, इट्स अ फिल्म फॉर यूथ, बट एनीवन हुज कनेक्टेड टू यूथ, ये उनकी भी कहानी है। ARY हैज बीन इन्वॉल्वड ऑन सम वेरी बिग प्रोजेक्ट्स, और ये बहुत खुशी की बात है कि ARY का नाम कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा है इस वक्त, और ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। आई थिंक जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं तो आपके बारे में भी वो चीज़ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्यूचर के लिहाज से मैं कहूँगा ज़रूरी है कि हम इस वक्त अपने एवेन्यूज़ को खुला रखें,
और हम स्टोरीज के लिहाज से अपने आप को बिल्कुल लिमिट ना करें. इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात है, लेकिन जब फाइनली आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को कल्चरली एक्सप्रेस करने की, उस अपॉर्चुनिटी को सही तरह एग्जीक्यूट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर ARY ये करे बहुत अच्छी बात है, दूसरे चैनल्स करें बहुत अच्छी बात है, एंड वी ऑल प्रोग्रेस टुगेदर. दो को-स्टार्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. आपको किसके साथ काम करके ज्यादा मजा आया, क्योंकि एक आपके प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी, तो थोड़ा सा आपसे जवाब चाहेंगे. दोनों बहुत एक्चुअली डिफरेंट एक्टर्स हैं, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, राइट? बहुत डिफरेंट. पूरी एक एक्टिंग स्कूल के साथ डील कर रही थी भैया, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. बट आई'ड से आई एंजॉयड वर्किंग विद ऑल द बॉयज इंक्लूडिंग आसिम रजा. सो या, इट वाज अ लॉट ऑफ. Yes, I will give you the temboy. अम्मा, नादिर कॉलेज की बात से अजीब सा हो गया. जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं. लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ. I'm really sorry, Melissa, but I really love you. इसीलिए मुझे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता. कोई यहाँ खुश नहीं होता किसी की खुशी में. ज़बान संभाल के बात करो रान. ऐसी फिल्म है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसी फिल्म आज दिन तक नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी अच्छी फिल्में देखी हैं, मगर इस फिल्म के अंदर कुछ डिफरेंट है. अब मैं उसके मुतालिक आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो फिल्म को कब देखेंगे आप, जब देखेंगे खुद बता दीजिएगा मुझे, मगर ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी आपको. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, और मेरी दुआ है कि ये सिर्फ अब आगे ही बढ़े, और जो एक्साइटमेंट मैं इर्द गिर्द आज देख रहा हूँ बस इसको अब आगे ही लेके इंशाल्लाह जाना है. इनका म्यूज़िक काफ़ी डाइवर्स है, इसमें काफ़ी सारे गाने हैं और काफ़ी डाइवर्स सिंगर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने किए हैं. चंद गाने मैंने भी प्रोड्यूस किए हैं और कुछ और लोगों ने भी किए हैं, और हम बहुत इन्जॉय किया मैंने इस प्रोसेस को, क्योंकि आसिम एक बहुत अटेंशन टू डिटेल्स वाला डायरेक्टर है. मेरा कैरेक्टर है एक आर्टिस्ट का है, और मैं मायरा की मदर प्ले कर रही हूँ, और मेरी जो भी उसमें पेरेंट्स दिखाए गए हैं और बच्चों के जो भी उसमें ड्रीम्स हैं, उनमें से मैं मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड लिबरल जो मदर हूँ, और एक सिंगल मदर हूँ मैं, तो मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ऑडियंस को ये रोल. आसिम रजा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, उसके लिए काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और उनसे मैंने सीखा बहुत है. आई एस्पायर टू बी अ डायरेक्टर वन डे, तो उनकी माइन्यूट डिटेल पे जो अटेंशन है वो बेहतरीन है. आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जो हम लोग कह सकते हैं कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे जब आप आएंगे. आपको इसमें कुछ तो ऐसा लगेगा जो आपको दिल को छुएगा, आपको कुछ ऐसे किरदार भी मिलेंगे जो आपको अपने इर्द गिर्द मिलेंगे, जो आपको लगेगा अरे ये तो मेरी अम्मी हैं या मेरे अब्बू हैं या फिर मेरी बहन ऐसी है या भाई या गर्लफ्रेंड या जो. शक्कर भंडारिए मोरा पिया मुझे मिलन आयो, शक्कर भंडारिए मोरा पिया मुझे मिलन आयो, किरकिर हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी लोलू ठंडारिए. इट्स सपोज्ड टू बी अ वेरी हॉट फेल्ट फिल्म, लाइट फिल्म है, फैमिली फिल्म है, पूरी फैमिली साथ आके देखे उस किस्म की फिल्म है. हमने कोशिश की है कि इसको एक ऐसी फिल्म बनाए जो छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक हर कोई देख सके, एंड दैट्स अबाउट इट. उसके अलावा ARY इन्होंने जो ये इनिशिएटिव पुट फॉरवर्ड किया है जिसमें ये पाकिस्तानी फिल्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स वंडरफुल. मोरा पिया मुझे मिलने आयो.